किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, परंतु 2013 से अभी तक सर्किल रेट में उन्हें मुआवजे में फायदा नहीं मिल पा रहा है। ये जो स्मार्ट मीटर है ये बहुत गलत है, इसकी रीडिंग की जांच बहुत ही आवश्यक है। अध्यक्ष जी, अभी तक देश में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन LARR अधिनियम 2013 को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है, जिससे हर दूसरे वर्ष सर्किल रेट में अनिवार्य संशोधन किया जाना जरूरी होता है। मेरे क्षेत्र के जनपद शामली में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर में किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, परंतु 2013 से अभी तक सर्किल रेट में उन्हें मुआवजे में फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। सहारनपुर व बागपत के सर्किल रेट अपडेट नहीं किए गए हैं, इससे किसानों को जो मुआवजा मिल रहा है वो बहुत कम है। और जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड़ में अंबाला ग्रीन हाईवे में किसानों की जमीनों का अधिग्रहण, यहाँ किसानों की समस्या श्रेणी परिवर्तन की है, उनको उनकी जमीन की कैटेगरी बदल कर उन्हें ना तो उसे उपजाऊ जमीन का। यहाँ स्मार्ट मीटर का आतंक है हुजूर, मीटर रीडिंग और मीटर को रिचार्ज किया नहीं जाता कि लोगों मिडिल क्लास गरीब और अत्यंत पिछड़े लोगों पर जो जिस तरीके से मीटर के द्वारा लगातार शोषण हो रहा है। ये जो स्मार्ट मीटर है ये बहुत गलत है, इसकी रीडिंग की जांच बहुत ही आवश्यक है। मेरा आग्रह है, जो जमीन अधिग्रहण किया गया विद्युत योजना के लिए, विद्युत ग्रिड के लिए, अभी तक सरकार ने जमीन नहीं दिया है विद्युत ग्रिड के लिए। कोढ़ा में विद्युत ग्रिड की जमीन आवश्यक है और बिजली का कटौती बहुत ज्यादा हो रहा है मेरे क्षेत्र में, सबसे अधिक कटिहार पूर्णिया में बिजली की कटौती हो रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।